कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से एक्शन में पुलिस। मास्क नहीं पहनने और तय दूरी नहीं रखने वालों के खिलाफ चालान शुरू। बजाज नगर, झोटवाड़ और कालवाड़ रोड पर हुई कार्रवाई। आइए अब खबर जानते हैं विस्तार से। दूसरी लहर के थमने के बाद मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सुस्त पड़ने वाली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आ गई। शहर में फिर से पुलिस ने मास्क नहीं पहनने और तय दूरी नहीं रखने वालों के खिलाफ चालान शुरू कर दिया है। बजाज नगर, कालवाड़ और झोटवाड़ा में मंगलवार को इस तरह की कार्रवाई की गई। साथ ही अतिक्रमण करने वालों से भी जुर्माना वसूला गया। बजाज नगर पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान शराब के एक ठेके के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में लोगों के बिना मास्क होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस ने पारस साड़ी के नजदीक स्थित शराब के ठेके पर कार्रवाई की और संचालक समेत अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया। उधर कालवाड़ और झोटवाड़ा क्षेत्र में भी पुलिस और अन्य एजेंसियों ने भी कार्रवाई की। सतर्कता टीम ने सदस्य इंस्पेक्टर विजय पुनिया और उनकी टीम ने बोरिंग चौराहा, कांटा चौराहा, कालवाड़ रोड, गोविंदपुरा अंतर्गत जोन, झोटवाड़ा एवं अंबाबाड़ी सब्जी मंडी और जोन विद्याधर नगर आदि जगह से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए। इस दौरान अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32,100 रुपए कैरिंग चार्ज वसूला गया। साथ ही 2 कैंटर सामान भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 8 व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाने पर 8,000 जुर्माना वसूला गया है।